आई एम रितु, वेलकम टू माय चैनल संगिनी। आज मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ साड़ी ड्रेपिंग करना बताऊंगी। जो आज के बच्चे हैं, आज के लोग हैं, लेडीज हैं, वो चाहती हैं हमें स्टाइलिश डिफरेंट टाइप ऑफ साड़ी। तो आज मैं कुछ ट्रेंडी साड़ी और कुछ ट्रेडिशनल साड़ी ड्रेप करना बताऊंगी। आज मैं आपको एक जो ड्रेप बता रही हूँ वो ट्रेंडी साड़ी है। इसमें हम गर्ल्स हैं और लेडीज भी पहन सकती हैं, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा स्टाइलिश है। और जो हमारा बेस है वो एक स्कर्ट मैंने लिया, स्कर्ट के ऊपर मैं ये पहनाने जा रही हूँ। ये हमारी मॉडल है, मेरी बेटी आर्या। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने प्योर क्रेप का साड़ी लिया है, इसमें कंट्रास्ट हमने कॉम्बिनेशन लिया है जो आप देख सकते हो। और ये आज मैं जो पहना रही हूँ, एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे घर में फंक्शंस होते हैं या कुछ शादियां वगैरह होती हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि चाहते कम से कम कपड़ों में हमारा थोड़ा स्टाइलिश वियर हो जाए। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ डिफरेंट लगे। हमने एक जो साड़ी का जो स्टार्टिंग पार्ट था, वो मैंने लिया। और हमने एक इसको बस ये देखना है कि जो हमारा ये छोर है, ये बिल्कुल सेंटर नेवल पे होना चाहिए ये। और इसमें हम एक बॉक्स प्लेटेड टाइप जो होता है, बॉक्स प्लेटेड डालेंगे इसमें। ये इस तरह की स्ट्रेट बॉक्स प्लेटेड डालेंगे। तो जो हम बॉक्स प्लेट डाल रहे हैं, ये बस आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो बॉक्स प्लेट हो वो इवन हो। क्रेप साड़ी का तो आप जानते ही हैं, फॉल इतना अच्छा होता है कि वन टाइम ही साड़ी बन जाती है और बॉडी से चिपक के आता है इसका फॉल। बहुत इजी है, कोई बॉक्स प्लेट में कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। थोड़ा सा ये हम आगे ले आएंगे, आगे ले आने के बाद हम इसको फिर से रिवर्स करेंगे। ये लगभग हम पूरी बेस्ट कवर कर लेंगे इसमें। इसमें बेस्ट हमारी हैवी ना लगे, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो साड़ी का जो हमारा मटेरियल होगा वो थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे। सॉफ्ट सिल्क में भी हम ये डाल सकते हैं, ये सॉफ्ट सिल्क में भी हम ये ड्रेप कर सकते हैं। अब ये बची हुई साड़ी जो बची हुई साड़ी है, इसमें हम नॉर्मल प्लेट्स डालेंगे। जो पल्ले पे बनाते हैं प्लेट्स, हम वो प्लेट्स डालेंगे। हमारी जो ये प्लेट्स हैं, ये बहुत फाइन होनी चाहिए। जितनी फाइन होंगी ये उतना ही साड़ी का ग्रेस आएगा। अभी ये हमने प्लेट्स बनाई है और थोड़ी सी पतली बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा आएगा। आज की जो स्पेशली टीनेजर्स बच्चे हैं, वो थोड़ा चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट लुक हो, मम्मी स्टाइल साड़ी ना मुझे पहननी पड़े तो ये उनके लिए ये लुक है। और आप जितनी भी प्लेट्स डाल लें, आप अपने सेफ्टी पिन से उसको सेपरेट कर सकते हो। अभी हमने ये प्लेट्स को इवन कर लिया और ये
ये साड़ी आप चाहें तो कोई और अच्छे कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हो। ये सेफ्टी पिन से हमने इसको सेट कर दिया। अभी आपके ऊपर चॉइस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहें तो आप इसको ये यहाँ पे इसको कवर कर सकते हो और नहीं तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं आज ओपन करके ही पहना रही हूँ साड़ी, मैंने ये एरिया पूरा कवर अप किया हुआ है। और ये आपका जो फॉल है वो आपका थोड़ा वी शेप में आएगा। एक सेफ्टी पिन थोड़ा सा मैं इसे बैक सपोर्ट में भी लगा दूंगी, जिससे कि ये कंधे में थोड़ा सा टाइट हो जाए, जिससे कि बार बार गिरने का डर ना रहे। और ये जो ड्रेप है ये इतनी कंफर्ट है कि आप इसे जितनी चाहे देर उसे पहने रहें, ये खुलेगी नहीं। आप इसको डांस कर सकते हो, पहन सकते हो, अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हो। और एक इसका एक और भी है, इसको इसका स्टाइल है जो आजकल बच्चे चाहते हैं। हमने इसको ये थोड़ा सा एक और ट्रेंडी हो गया, बच्चे ज़्यादा इसको चाहते हैं तो वो थोड़ा स्टाइलिश हो गया और सिंपल करके मैंने इसको पहना दिया और कुछ एक स्टाइलिश लुक दे दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये स्टाइल और जरूर ट्राई करिएगा इसको। अभी हमारी जो नेक्स्ट साड़ी मैं बता रही हूँ, जो पैटर्न बता रही हूँ, वो थोड़ी गर्लिश साड़ी है, बच्चे पहनते हैं। आजकल के जो मॉडर्न बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो साड़ी कैरी करना चाहते हैं बट प्रॉपर साड़ी नहीं, थोड़ा स्टाइलिश चाहते हैं कि थोड़ा डिफरेंट साड़ी हो, तो वो मैंने थोड़ी कोशिश की है। देखिए आपको कैसा लगता है। सो मैं पहनाने जा रही हूँ थोड़ी सी ट्रेंडी साड़ी। मैंने एक प्लेन साड़ी लिया है, और चूंकि मेरा ब्लैक का कंट्रास्ट है तो इसमें बहुत अच्छे नियॉन ग्रीन कलर मैंने लिया है, तो ये काफ़ी पहनने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगी। तो देखिए मैंने पहले से ये प्लेट्स बना के रखी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो ये पट है, ये आपको जो आपका स्टार्टिंग ऑफ साड़ी है वो आपको पहले से ऊपर की तरफ ही आएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो नेविल है, नेविल में ही इसको सेंटर में लेके हमको ये साड़ी अंदर से टक कर देनी है। और ये हम यहां से इसको फिनिशिंग देते हुए कर जाएंगे। और ये भी मैंने यहाँ ऊपर की प्लेट्स को भी मैंने टक कर रखा है। ये आप जैसे आपको कहीं जाना है तो आपको क्विक साड़ी पहनने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ये सब पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपको कहीं जाना है तो आप बहुत जल्दी आप इस चीज को कैरी कर सकें, आपको टाइम ना लगे। और ये बहुत टाइम बचाएगा आप अगर आप इतना कर लेंगे तो, जैसे मैंने किया हुआ है। और ये मैंने अभी ये चेक कर लेंगे कि मुझे कहाँ तक कितना पल्ला चाहिए, बट पल्ला हम इसमें थोड़ा सा लंबा ही रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि लंबा पल्ले का थोड़ा सा अलग से ग्रेस गिरेगा साड़ी पे।
अब ये हमारी साड़ी जो ये बची हुई साड़ी, तो अब मैं इसको दो प्लेट्स मैं इसमें पीछे भी देना चाहूंगी। और पीछे मैं जो दे रही हूँ मैं बॉक्स प्लेट दे रही हूँ, आप अच्छे से देखिए, जो मैं पीछे दे रही हूँ वो मैं बॉक्स प्लेट दे रही हूँ। बॉक्स प्लेट का पीछे लुक बहुत ब्यूटीफुल आएगा, अभी आप देखिएगा। और ये हमने यहां से फिनिशिंग लाइन दे दी। अब हम इसको फिनिशिंग देते हुए ये जो हमारा शेप रहेगा ये थोड़ा हमारा वी शेप में रहेगा। ये हमारा जो रहेगा ये थोड़ा वी शेप में रहेगा, जिसमें आपकी जब आपकी लेगिंग्स विजिबल होगी या जो भी आपने पहना हुआ जीन्स या लेगिंग्स, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। और आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा कवर भी कर सकते हैं, बट मैं कवर नहीं कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे ही इसको छोड़ रही हूँ। अब मैं इसमें सेफ्टी पिन से इसको कवर कर रही हूँ, इसको सेफ्टी पिन से इसको फिक्स कर रही हूँ। जितनी आप फाइन प्लेट्स डालेंगे उतना ही एक ब्यूटीफुल लुक आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी प्लेट्स जो है वो बहुत ही फाइन होनी चाहिए। और आज की जो डिमांड है, आज हमारे जो साड़ी के संग बेल्ट का एक लोगों को एक अलग ही क्रेज है, तो वो मैं बेल्ट से बांधना चाहूंगी। बेल्ट बांधने के बाद इस साड़ी का एक लुक है वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। मैंने इसमें बेल से इसको सेट कर दिया है और हम प्लेटों में थोड़ा सा प्रेसिंग हाथ टाइट करके हाथ मारें, जिससे कि हमारी जो भी साड़ी की जो भी है फिनिशिंग उसमें हमारा ये क्रीज बन जाए। एक सेपरेसी के लिए एक और पिन लगाएंगे, जिससे कि ये साड़ी इधर उधर ना भागे, आप साड़ी को कंफर्टेबली एंजॉय कर सकें। ये हमारा साड़ी रैपिंग रेडी हो गया और आप इसको देख सकते हो। और आप बता सकते हैं कि आपको मेरा रैपिंग करने का तरीका कैसा रहा, और आप इसको जरूर यूज करिए। और साड़ी रैपिंग कर रही है वो लेडीज जो भी चाहे किसी भी उम्र की लेडी है ड्रेप कर सकती है। इस साड़ी को लुंगी साड़ी पहनती बोला जाता है और ये मेरे सलून में बहुत लोग पसंद करते हैं। ये ड्रेपिंग मेरे हाथ के लोगों को बहुत पसंद आती है, तो बस मैं बस वही छोटी छोटी जो ट्रिक्स है वो मैं आपको बता रही हूँ, और आप उसको आप भी ट्राई करिए। ये मैंने सिंपल सा है, मैंने इसको टक कर लिया है। और इस साड़ी में बस आप एक बात ध्यान रखिए, ये आप सिल्क साड़ी ब्रांच साड़ी कैसी भी साड़ी हो आप उसमें ये ड्रेप कर सकते हो। बस इसमें आप ध्यान रखिए थोड़ा सा बॉर्डर अगर होता है तो बॉर्डर के बाद बनने के बाद ये साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल आती है। ठीक है, इसलिए मैंने ये साड़ी बॉर्डर पल्ले की साड़ी ली है। और ये मैंने सिंपल एक प्लेट्स बना के रख लिए, जिससे कि ड्रेपिंग में हमारी टाइम ना लगे। ये साड़ी मैंने पल्ला जो है सीधे पल्ले में से आप लोग पहनते हैं, बस मैंने इसको लाके
इसको रख लिया है। बस इसका जो हमारा लेंथ होगी, इसमें हमने वो लेंथ ज्यादा रखी हुई है, लगभग घुटने से नीचे। अब हम इसको साथ साथ फिक्स भी करते रहेंगे साड़ी को, क्योंकि हमारे साड़ी का जो हमारा प्रोसीजर है वो रेडी है। पिन को आप बहुत मजबूती से लगाएंगे और इसमें भी ध्यान रखेंगे कि आपकी जो प्लेट्स है वो बहुत ही अच्छे से बनी हुई हो। बस मैंने ये इसको घुमाना शुरू कर दिया और इसको यू ले आई। अभी मैंने बस इसको ऐसे ही थोड़ा सा मेजरमेंट के लिए इसको मैंने यू ही टक कर दिया। अब मेरा प्लेट पड़ने का, अब हमने प्लेट डालनी शुरू कर दी। प्लेट डालने के लिए आप फिर से देखिए, प्लेट डालने के लिए जो हमारी जो साड़ी का जो मटेरियल है, जितना भी हमारा साड़ी का कपड़ा है, उसमें हम सेंटर पॉइंट लेंगे। ये हमने साड़ी का सेंटर पॉइंट ले लिया। सेंटर पॉइंट लेने के बाद आप ध्यान से देखिए, मैंने इसमें वॉक्स प्लेटेड डालनी शुरू कर दी। इसमें मैंने वॉक्स प्लेटेड डालनी शुरू कर दी एक अपना एक आइडिया लेके, ये मैंने वॉक्स प्लेटेड डालनी शुरू कर दी। और इसमें हम दोनों ही उसको लेंगे। थोड़ा डिफरेंट है, आप अच्छे से देखिए। और ये हमने इसको वॉक्स प्लेटेड में अंदर डाल दिया। ये बॉक्स प्लेटेड पूरी साड़ी हमारी जो है बॉक्स प्लेटेड में ही पहनाई जाएगी। अब जो मेरा ये है, ये पल्ला जो हमने यहां पे शिफ्ट किया था, इसको हम उठा के यहां बॉक्स प्लेट के इसको हम टक कर देंगे। हमारा पिन दिखाई नहीं देगा, आप चाहे तो ऊपर से लगाएं, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा फिनिशिंग और थोड़ी सी साड़ी में अगर स्टफनेस होगी, थोड़ी टाइट होगी साड़ी, तो इसका फॉल बहुत अच्छा आएगा इसका फॉल। पीछे से भी हम एक कवर कर देंगे, क्योंकि आज की साड़ियों में जो ब्लाउजेस होते हैं उनके नेक्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं। तो अगर हम पीछे एक पिन लगा देते हैं, अगर हम एक पीछे पिन लगा देते हैं तो एक बहुत साड़ी बहुत मजबूत हो जाती है। उसमें क्या होता है कि फिर वो साड़ी में कोई भी गिरने का, खिसकने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। लीजिए, हमारी साड़ी ड्रेपिंग रेडी हो गई और आप एकदम इजी प्रोसीजर था हमारी साड़ी ड्रेपिंग का। और अगर हमने प्लेट्स को पहले से तैयार करके रखा हुआ है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हम ये साड़ी बहुत जल्दी कैरी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये साड़ी आप अकेले सिंगल हैंड पहन सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है साड़ी को पहनने के लिए। और आप बताइए आपको साड़ी कैसी लगी, और अब मैं चाहूंगी कि आप इसको जरूर ट्राई करें और आप मुझे बताएं कि आपको मेरा जो तरीका था वो कैसा लगा। मेरे सैलून में इस साड़ी की ड्रेपिंग लोग बहुत पसंद करते हैं।
आप लोगों को मेरा ट्रेंडी साड़ी पहनाने का तरीका अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने जो टाइप्स ऑफ साड़ियाँ पहनाई हैं, जो ड्रेप किया है, आई होप सो आपको पसंद आया होगा और मुझे अच्छा लगेगा आपने कमेंट बॉक्स में उसको, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, जो चीज़ें ना समझ में आई हों वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, जो समझ में आई हों अच्छी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।